गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी लोग? आइए, सब लोग बहुत बढ़िया हो गए। कल शाम को क्या हुआ? कल शाम को मैं गया था अपने दोस्त के यहाँ। वहाँ पे उसके यहाँ खाना खाना खाया यार, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी। मैं इस इवन स्टार्ट कर ही रहा था, रेड बैटरी थी, मुश्किल से 1% बैटरी बची थी उस टाइम पे आई गैस, तो एकदम से डेड हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या करना है, सिर्फ खाने तो खाना था, क्या जो कैप्चर करता उसको मैं। तो अभी फ़िलहाल अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, नहा धो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं अभी। अभी अभी मैंने राइड बुक की है, मैं आपको दिखाता हूँ। राइड बुक हो चुकी है, 2 मिनट में मेरा पिकअप है। जैसे ही पिकअप होता है फिर मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। सारा थोड़ा थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, पूरा का पूरा। अब ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बनाऊँगा, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। राइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहुँच ही चुके लगभग लगभग। बाकी आ जाए, चश्मा पहन के हम रेडी हो चुके हैं, स्वैग मारना भी जरूरी है थोड़ा सा। अभी प्लान कुछ इस तरीके का है कि हम जा रहे हैं सदर बाजार। एक्चुअली अभी हुआ गया, मैं इतनी देर से वीडियो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वीडियो स्टार्ट ही नहीं थी। अभी अभी स्टार्ट किया फिर से। अभी हम मार्केट जा रहे हैं सदर बाजार, वहाँ पे जाके वाले कवर लेना है, कुछ खाते पीते हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। मैडम को शॉपिंग भी करनी है, अगर यहाँ पे कह रही है मैडम आई है तो शॉपिंग भी करनी ज़रूरी है। मैंने कहा ये भी बात सही कह रही हैं आप, तो बाकी इनको देखिए कितनी खुश हैं शॉपिंग के नाम पे। है जी जी, सही कह रहा हूँ मैं? कुछ कहना चाहेंगे आप शॉपिंग के लिए, क्या लेना चाहेंगे आप? मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिल सकता है, सब उठा जो जो सब उठा लूँगी। ये भी सही बात है, पैसा आया है घर से बहुत सारा, घर से बहुत सारा पैसा आया है, ये सब ले लेंगे मैडम आज। बाकी वहाँ पे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो हम निकल चुके हैं, थोड़ा कुछ खाने पीने, थोड़ी मौज मस्ती करने मैडम जी के साथ। हर किसी की किस्म में कहाँ होते हैं लड़कियों के साथ घूमना, तो मुझे मिल रहा है तो मैं भी घूम लेता हूँ, और क्या, थोड़ा मजे कर लेंगे, थोड़ा कुछ खा पी लेंगे और क्या। बाकी हम निकल गए हैं सदर बाजार छावनी। बाजार आ गए। ये सामने हनुमान मंदिर की रोड है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मैडम पूरी वीडियो बना रही है, मुझे बता रही है कि वीडियो बनाओ दिखाओ तो दिखाते हैं। सदर बाजार आ गए, यहीं रोकना है भैया किनारे। चलो चलो भैया उतरते हैं। करिए मैडम, मैडम पैसा दे रही है, बहुत पैसा है मैडम के पास। यार बहुत भीड़ हो रही है यार, है ना? यस yes. यहाँ पे देखो गोलगप्पे खा रहे हैं। मौसम खराब हो रहा है यार, बारिश बारिश हो रहा है, बारिश। सो हम कुछ लेंगे नहीं लेंगे? लेंगे, अभी तो हम क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, हम लेट्स सी क्या लेते हैं देखते हैं, एक्सप्लोर करेंगे मार्केट, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या लेना है। क्या हम नए नए ब्लॉगर सक्सेसफुल हो पाएंगे जिंदगी में? अब टाइम लगता है, है? कितना टाइम लगेगा लगभग लगभग? हमारे हमारी वीडियोस में 10 मिलियन व्यूज कब आएंगे? क्या पता अभी आ जाए, क्या पता टाइम आना चाहेंगे। आपने कौन सा कवर लिया अभी अभी दिखाइए, आपने ये कवर लिया? वाओ, दैट दिस इज लुकिंग नाइस। थैंक यू। चलो अब आप थोड़ा सा और वॉकिंग करते हुए आगे देखते हैं। क्या कह रही हो? आगे देखते हैं। अच्छा, ये भीड़ तो काफी है यार यहाँ।
तो मैं मतलब वीडियो बनाते बनाते इतनी खो गई हूँ, सामने देख नहीं रही कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। मैडम बिल्कुल फ्री होल्ड हो चुके हैं खरीदने में, आप कुछ भी सामान खरीद देंगे कह रही हैं, आप गुड़ लेने आ गई हैं यहाँ पे। कितना ले रही हो? तो उन्हें घर भी ले जाओगी? क्यों यार भैया, नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, सक्सेसफुल हो गई है भैया? तो कुछ बोल ही नहीं दे रहे हैं यार। कैश है तुम्हारे पास? कैश नहीं है। लेकिन जब उस बंदे से मैंने पूछा कि भैया ब्लॉगिंग का चैनल ब्लॉगिंग स्टार्ट की है सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, उस बंदे ने जो लुक दिया ना भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब अभी पकड़ के मोबाइल फेंकेगा हाथ से और पीटने लग जाएगा अभी से ही। क्यों मैडम? भाई साहब एकदम से मुड़ गई है, तो यहाँ पे चलते हैं। मतलब मेरी कॉल क्या आ गई थी, तुमने क्या क्या ले लिया, कोई बास्केट दिखाना? तो भाई साहब, भाई साहब पैसे नहीं है मेरे पे, तो पैसे तो है नहीं मेरे पे। हैं इसको पैक करते भाग जाएंगे। हाँ सो मैडम शॉपिंग तो हो गई, लेकिन आपके हाथ क्यों खाली दिख रहे हैं? उन्होंने जब आपने कहा हम पे पैसे नहीं है तो उन्होंने क्या कहा आपसे? मैडम सामान जहाँ से उठाया वहीं वापस रख दो चुपचाप। तो चुपचाप सामान वापस वहीं पर रख के मैं आना पड़ा। ये राम मंदिर के टाइम में ही क्या होगा, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था ना तभी इन लोगों ने ये बनाया होगा। हाँ ऐसा ही तो बनाया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे भी अश्वनी के साथ आया था सदर बाज़ार, उस टाइम पे ऐसा कर रखा था। यार बारिश स्टार्ट हो गई है, अब आई गैस एक काम करना चाहिए यार, इससे पहले बारिश हो जाए अपने अपने घर पहुँच जाते हैं, बस चलते हैं है ना। हम आए थे शॉपिंग करने और यहाँ बारिश आ गई। बारिश स्टार्ट हो चुकी है और कंबल मेरा ऊपर छत में सूख रहा है, तुतला लग रहा हूँ मैं इस टेंशन में कि मेरा कंबल ना भीग जाए, मैं उड़ूंगा क्या अभी। यहाँ बारिश हो रही है, कंबल भीगने का डर हो रहा है और मैडम को ये कह रही, मैडम कह रही कि चप्पल अच्छी लग रही है चप्पल देख लेते हैं। मैंने कहा अरे भैया, मैंने कहा चलो यार, हमें याद बिल्कुल यहाँ पे कंबल भीगने की कगार हो रही है, मैडम को हो रहा है कि चप्पल अच्छी लग रही है चप्पल देख लेते हैं। मैंने कहा ये सही है यार, मैंने कहा पहले जाए कंबल देख लेता हूँ मैं, तुम आ जाना अपने आप बाद में चप्पल देख ले। हाँ यार सो अब हम निकल चुके हैं और इसमें पता नहीं क्यों यार वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑन कर रहा हूँ, अपने आप ही बंद हो जा रही वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ सीधी चलो। तो अभी मैं अब घर पहुँचता हूँ, कंबल उठाता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं। सो फाइनली घर आ गया हूँ, सबसे पहले मैं आती सबसे पहले मैं छत में भागा और कंबल ब्लैंकेट देखने गया कि यार भीगा तो नहीं है वो, क्योंकि बारिश मुझे लग रहा था कि हुई है नहीं हुई है कुछ नहीं पता था मुझे, और जाके मैं देखा है और उठा के लाया, फाइनली कंबल नहीं भीगा है और कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली मैं आ गया हूँ। मैडम चले गई हैं अपने घर, मैं अपने घर आ गया हूँ, चेंज करता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, बाकी वीडियो के यहाँ इस पार्ट तक पहुँचे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो, कॉमेंट करिएगा बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये ब्लॉग पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। बाकी थैंक यू सो मच।